भारत पाकिस्तान की ओर से करतारपुर की नींव रखने के बाद भारतीय सिख बेहद खुश हैं। अब जल्द ही सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में दाखिल होकर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के दर्शन कर सकेंगे। मैं गुलनीत कौर आज आपको करतारपुर कॉरिडोर और पाकिस्तान में बसे सिख गुरुद्वारों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। गुरु नानक का जन्म और मृत्यु दोनों ही पाकिस्तान का है। उनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारा ननकाना साहिब और जहां वे अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारने के बाद ज्योति जोत समाए, वह स्थान करतारपुर है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद नानक के श्रद्धालुओं को उनका शव नहीं मिला, शव की जगह फूल मिले। इन फूलों का हिंदुओं ने अंतिम संस्कार और मुस्लिमों ने अपने पीर नानक के इन फूलों को दफना दिया। करतारपुर के इस गुरुद्वारे में नानक की समाधि और मजार दोनों ही हैं। 1947 के भारत पाक बंटवारे का यदि किसी राज्य ने सबसे अधिक खामियाजा भुगता तो वह था पंजाब। इस राज्य के दो हिस्से कर दिए गए। यहाँ के लोगों का सब कुछ लुट गया, घर, संपत्ति और यहाँ तक कि सिखों के धार्मिक और प्रमुख स्थल भी पाकिस्तान में रह गए। हर साल लाखों सिख श्रद्धालु इन गुरुद्वारों में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। विदेश से आए सिखों को तो फिर भी पाकिस्तानी वीजा मिल जाता है, लेकिन भारतीय सिखों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो निराशा ही हाथ लगती है। पाकिस्तान में रह गए सिख गुरुद्वारों की यदि बात करें तो छोटे बड़े सभी गुरुद्वारे मिलाकर यह संख्या 150 तक जाती है। लेकिन अगर ऐतिहासिक और प्रमुख गुरुद्वारों की बात करें तो लिस्ट में पहला नाम आता है गुरु नानक के जन्म स्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब का। इसके बाद गुरुद्वारा बाल लीला, जहाँ नानक ने अपना बचपन बिताया। गुरुपट्टी साहिब उस जगह पर बना है जहाँ नानक ने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुद्वारा सच्चा सौदा वह स्थान है जहाँ 10 या 12 वर्ष के नानक ने गरीब को लंगर खिलाया और पिता के दिए हुए पैसों का सच्चा सौदा किया। गुरु नानक के अलावा तीसरे गुरु, गुरु अमरदास से जुड़े कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे पाकिस्तान में रह गए। ये गुरुद्वारे लाहौर में हैं। करतारपुर कॉरिडोर को दोनों देशों के बीच अमन और शांति का पैगाम लाने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हालांकि यह दोनों सरकारों की ओर से पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी भारत की ओर से कई बसें और ट्रेन पाकिस्तान गई, लेकिन आतंकी हमलों के चलते यह सफल यात्रा साबित नहीं हुई। यह भी एक कारण है कि क्यों दोनों सरकारें इस तरह के प्रोजेक्ट से कतराती हैं। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि करतारपुर प्रोजेक्ट कितना सफल होता है और सिख श्रद्धालुओं को उनके दर्शन सफलता से हासिल होते भी हैं या नहीं। ऐसी ही रोचक जानकारियों और देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत न्यूज़.in के साथ।